हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सभी को आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने इस नए दिन पर एक नई कहानी के साथ वापस आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। कहानी है इटली के एक हिस्से में रहने वाले एक 12 साल के लड़के के एक तरफा प्यार की, जिसे एक 26 साल की खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में रेनाटो नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि एक नई साइकिल लेने के लिए अपने डैड के साथ शॉप पर जाता है, लेकिन उसके डैड उसे सेकेंड हैंड साइकिल दिला देते हैं, जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उनके पास जाता है। उसके दोस्त बताते हैं कि अभी कुछ देर में वहाँ से मलेना निकलने वाली है और वो सब उसी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो रेनाटो भी उसके साथ वहीं बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ से मलेना निकलती है और वो सब उसको देख रहे होते हैं। रेनाटो भी उसे देख रहा होता है, वो उसे एक तक देखता ही रह जाता है। उसके बाद सारे लड़के साइकिल लेकर के निकलते हैं और आगे जाकर के फिर मलेना का वेट करते हैं। फिर खड़े होकर के दोबारा से वो मलेना को देखते हैं। उसके बाद ये सारे लड़के अपने स्कूल की क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लास में सारे लड़के मलेना के नाम को लेकर के अपने टीचर के मजे ले रहे होते हैं। असल में ये टीचर मलेना के फादर होते हैं और उनको कान से कम सुनाई देता है। स्कूल से निकलने के बाद रेनाटो मलेना के घर के आगे जाकर के बैठ जाता है। अभी मलेना के घर का दरवाजा खुलता है और मलेना रेनाटो को देख करके अपनी सास बुलाती है और उसे एक सिगरेट लाने के लिए देती है। रेनाटो को पैसे देते हुए मलेना सारे पैसे जमीन पर गिरा देती है। उसे उठाते समय रेनाटो को मलेना की खूबसूरत पैर दिखाई देते हैं। तभी रेनाटो अपने सपने से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि ये सब उसका भ्रम था। यहाँ से निकलकर रेनाटो सीधे दर्जी के पास जाता है। रेनाटो यहाँ अपने डैड के कपड़े चोरी करके लाया होता है, जिसे वो अपने नाप का करने के लिए दर्जी को बोलता है। घर पहुँचने पर उसके डैड इस बात के लिए उसे पीटने लगते हैं, तो रेनाटो बोलता है कि मुझे अब शर्ट पैंट पहनने में शर्म आती है, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। फिर रेनाटो अपने बाल कटाने के लिए भी जाता है। बार्बर शॉप पर भी सब लोग मलेना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। रेनाटो रात को चुपके से मलेना के घर पे जाकर के एक होल में से मलेना को देखता है। उस टाइम उदास मलेना एक सॉन्ग प्ले करके अपने हस्बैंड की फोटो अपने सीने से लगा कर डांस कर रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड आर्मी में, इसलिए वो वॉर में होने की वजह से काफी दिन से घर नहीं आया होता है। नेक्स्ट डे रेनाटो उसी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए म्यूजिक शॉप पर जाता है, उसे वो सॉन्ग का नाम नहीं पता होता है, इसलिए रेनाटो शॉपकीपर से वो सॉन्ग गा कर सुनाता है। रात में रेनाटो उसी सॉन्ग को अपने रूम में प्ले करके एक लड़की की फोटो में मलेना को इमेजिन करके उस फोटो को गले से लगा कर सो जाता है। नेक्स्ट डे मलेना के घर से निकलने पर रेनाटो उसके पीछे पीछे जाता है। उस दौरान गाँव के सारे आदमी मलेना की ही बात कर रहे होते हैं और सभी लोग मलेना को ललचाई निगाह से देख रहे होते हैं। उसे बात करने की कोशिश में होते हैं कि लोग मलेना के बारे में गलत बातें ही कर रहे होते हैं। सब सुनकर रेनाटो भी मलेना को अपने साथ इमेजिन करने लगता है। पता चलता है कि मलेना का हस्बैंड जंग में शहीद हो गया है। सुनते ही मलेना एकदम टूट जाती है और फिर वो रहने के लिए अपने फादर के पास चली जाती है। रेनाटो उसे देखने के लिए वहाँ भी पहुँच जाता है। एक दिन रेनाटो देखता है कि शहर के लोग मलेना के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन रेनाटो को मलेना की अच्छाई के बारे में पता होता है, तो वो चर्च जाता है और मलेना की सेफ्टी के लिए प्रे करता है। एक दिन मलेना के डैड को स्कूल में लेटर मिलता है, जिसमें मलेना के बारे में गलत गलत बातें लिखी हुई है। बातों से गुस्सा होकर फिर मलेना के डैड उसे घर से निकल जाने के लिए। रात को जब रेनाटो मलेना को देखने के लिए आता है, तो उसे एक पुलिस ऑफिसर मलेना को किस करते हुए दिखाई देता है। जब पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है, तो उसकी एक डॉक्टर से लड़ाई हो जाती है। इस डॉक्टर का कहना होता है कि मलेना उसकी मंगेतर है और उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। पुलिस इन दोनों के झगड़े को शांत कराती है। अगले दिन पूरे गांव में सब यही बातें कर रहे होते हैं कि मलेना का अफेयर एक शादीशुदा डॉक्टर से। इसी बात पर कोर्ट में मुकदमा चलता है, लेकिन एक चतुर लॉयर मलेना के लिए मुकदमा लड़ता है, तो सब बेगुनाह साबित होता है। रात को यही लॉयर मलेना के घर आकर जबरदस्ती उसे फिजिकल करता है। रेनाटो ये सब देखता है। नेक्स्ट डे मलेना के फादर का एक प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। अब मलेना का इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस बात से वो काफी दुखी होती है और उस रात को वो अपने आप से बातें करते हुए डिसाइड करती है कि अब वो वैसे ही जिंदगी जिएगी जैसे कि उसके बारे में सोचती है। अब वो बिंदास
वो कभी नेक्स्ट डे अपने घर से बाहर निकलती है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर जब वो अपनी जेब से सिगरेट निकालती है तो वहाँ के सारे मर्द अपनी लाइटर लेकर के उसकी सिगरेट जलाने पहुँच जाते हैं और ये सीन इस मूवी का एक एपिक सीन होता है। रात में एक ऑफिसर मलैना के पास आता है और दोनों इंटरमेट होते हैं। ये देख करके रेनाटो का दिल टूट जाता है और बीमार हो जाता है, लेकिन घर वाले उसका इलाज कराते हैं और कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाता है। एक दिन गाँव की सारी औरत मिलकर मलैना को उसके घर से घसीट कर पीटते हुए बाहर ले आती है और गांव से बाहर निकाल देती है। उन्हें लगता है कि मलैना गांव के मर्दों को बर्बाद कर रही है। एक दिन मलैना का हस्बैंड मलैना को खोजते हुए गांव में आता है। दरअसल मलैना का हस्बैंड मरा नहीं होता है, उसके मरने की एक अफवाह किसी ने फैला दी होती है। मलैना के न मिलने पर वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है तो उसके दोस्त मलैना के कैरेक्टर के बारे में बुरा भला कहते हैं। इसी बात को लेकर के मलैना का हस्बैंड उनसे बहस करने लगता है, वो उसे भी मारने लगते हैं। रेनाटो ये सब देख करके मलैना के बारे में सारी बातें एक लेटर में लिख करके उसके हस्बैंड के पास भेजता है। इसे पढ़कर मलैना के हस्बैंड को सारी सच्चाई पता चल जाती है, फिर वो मलैना को लेने के लिए जाता है। आगे मलैना अपने हस्बैंड के साथ गांव वापस आता है। सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं, लेकिन अब लोग मलैना के बारे में बुरी बातें नहीं करते। सब लोग मलैना के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मलैना कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही है, तभी कुछ सामान गिर जाता है। रेनाटो दौड़ करके सामान उठाने में मलैना की हेल्प करता है। कुछ सामान लेकर के मलैना जाने लगती है, लेकिन आगे जाकर के वापस रेनाटो को देखती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी, और बाकी ही में अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप और मूवीज़ को देखना पसंद करेंगे तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको लगी कैसे और इस मूवी से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।